पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। तो बचपन की याद आ रही थी मेरे को काफी। मुझे याद है बचपन में ना इंडियन लॉन्डो का सबसे पहला एम्बिशन बताऊं क्या होता है कि हम बड़े होकर के क्रिकेटर बनेंगे। छक्के चौके तो मारने हैं। बहुत ही आसान काम है। और ये सपना बताओ कब जागता है, जब हम इंडिया को कोई ऐसा मैच हारते हुए देख लेते जो वो जीत रही थी और अचानक से हार जाती है, फिर हम सोचते हैं यार 16 रन ही तो बनाने थे दो बॉल में। एक ऐसी मैच मैंने देखा था 1996 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, जिसमें इंडिया श्रीलंका से बहुत बुरी तरह हारी थी। उस दिन मैंने ठान लिया था कि मैं क्रिकेटर बनूंगा और मैंने घर में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। घर में मिलने वाली हर चीज को हमने क्रिकेट में यूज करना शुरू कर दिया। हमारा पहला बैट बना मम्मी का कपड़े पीटने वाला फट्टा। दादाजी की वॉकिंग स्टिक के 3 टुकड़े करके हमने स्टंप्स बना दिए। अभी दादाजी बोला आप चल तो पाओगे नहीं, अंपायरिंग करो। और वो स्टंप भी कोई चोरी करके ले गया, फिर हमने दादाजी को स्टंप्स बना दिया। वो दुनिया का पहला माइक वाला स्टंप था। तुमने देखा है क्रिकेटर यू बचते हैं बॉल से, बाउंसर आता है तो यू बचते हैं, यू करते हैं, हमारा स्टंप बचता था बॉल से यार। कोई बोल्ड ही नहीं हो रहा क्योंकि स्टंप भाग जाता था। अभी जैसे मेरा मन करता था मैं हिट विकेट हो जाऊं। फिर एक दिन एक बॉल आई, बैट्समैन ने मिस करी, दादाजी को यहां लगी, यहां चश्मे के बीचों बीच, उनके चश्मे गिल्लियों की तरह उड़ते हुए गए। तुम लोगों ने कभी सुना है वो स्टंप माइक पे ये पड़ोसी मुल्क के क्रिकेटर एक दूसरे को गाली दे रहे होते हैं? हमारा स्टंप हमें गाली दे रहा था। हमारे दादाजी होते हुए वो हमें ऐसी गाली दे गए, ऐसी गाली दे गए कि वो आज तक उस बात से शर्मिंदा है। पता है मरने के बाद उनकी फोटो जो घर में लगी ना उसमें भी शर्म दिख रही है। फिर पापा ने बोला आप तो लोग घर पे क्रिकेट नहीं खेलोगे, जाओ बाहर जाके क्रिकेट खेलो। हमने एक मैदान ढूंढा, क्रिकेट खेलना शुरू किया, सब कुछ ठीक जा रहा था 10-15 दिन। फिर क्या हुआ, बगल वाले मोहल्ले की टीम वहां करके क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। अब वो आकर के तंग कर रहे हैं, हम शॉट मारे वो कैच कर ले, और रोज लड़ाइयां हो रही है, रोज हमारे बंदे पिट रहे हैं। दोनों मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग मिलकर के डिसाइड किया कि ये लड़ाई रोकने का तो कुछ तो तरीका होना चाहिए। तो एक डिसाइड किया गया कि एक मैच खेला जाएगा आज से 15 दिन के बाद, जो उस मैच को जीता अगले एक साल तक मैदान उसका। और उस मैदान के मालिक का हमें आता पता नहीं था, हमने किसी और की जमीन दांव पे लगा दी। और हमारे पड़ोसी मुल्क वाले सोच रहे हैं हम अपना कश्मीर छोड़ देंगे उनके लिए। बहुत ज्यादा एंबिशन नहीं उनकी। कुछ बेसिक रूल्स डिसाइड हुए उस मैच के, कि पहली बात LBW नहीं होगा, क्योंकि उसका रूल आज तक किसी को ढंग से नहीं पता है। वहां पर पैर पे बॉल लगती थी, अंपायर उंगली उठा देता था, उस चक्कर में अंपायर रोज पिट रहा होता था। और पता है, और ऐसे भी तेज बॉल से बचने के लिए हम लौंडे पीछे घूम जाते थे। यहां बॉल लगती थी, यहां देखो ये सही है, गद्देदार सतह होती है, ठीक है। आगे बॉल लगी तो फ्यूचर खराब हो सकता है तुम्हारा। दूसरा रूल, विकेट के पीछे रन नहीं होंगे। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो था कि कोई मम्मी कसम नहीं बोलेगा। मम्मी कसम उस समय का DRS होता था, जिसने मम्मी कसम पहले बोल दिया उसकी बात सच्ची। चलो थैंक यू सो मच गाइज, दैट वॉज माई साइड, थैंक यू। वैसे अभी तक तो मुझे अमित भाई को देख के लगता था कि स्टैंड अप कॉमेडी पुरानी है, अब इनको देख के लग रहा है वाकई में स्टैंड अप कॉमेडी बहुत पुरानी है। अब मेरे को यहां से जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो मोटा भाई, हाँ? आप बॉय स्कूल में पढ़े हो या कोएड स्कूल में? मैं पढ़ता तो कोएड में था, पर धीरे धीरे हम जैसे लड़कों की शक्लें देख के सारी लड़कियां छोड़ गई तो बॉय स्कूल बन गया अपने आप। सही में मैं उसके बाद गया भी बॉयज हॉस्टल में हूँ, मैं बता रहा हूँ बहुत खराब जिंदगी निकली। अरे मोटा भाई, वो हॉस्टल की बात ना आप तो करो ही मत। वैसे मैंने तो हॉस्टल में ना वो वेट लॉस स्कीम चला के बहुत पैसा कमाया है। तू तो कहीं भी पैसे कमा लेती, पर जहाँ तक हॉस्टल और कॉलेज की बात है वो हमारा लवजीत आके बताएगा। प्लीज वेलकम लवजीत सिंह चौहान फ्रॉम जयपुर। सो माय नेम इज लवजीत सिंह चौहान और मैं आया हूँ जयपुर राजस्थान से, और मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ। ऐसा मेरे पापा को लगता है।
ना उनको डर है कि दूसरी जात की लड़कियां मेरे को फंसा लेंगी और भगा के ले जाएंगी इसलिए उन्होंने मेरा एडमिशन कराया बॉयज़ कॉलेज के अंदर। हमारा कॉलेज था अतरंगी, उसमें लड़के थे एक से एक। उसमें एक लड़का था, उसका नाम था करण। करण की बहुत इज्जत थी क्योंकि करण हमको ये बताता लड़कियां कैसे पटाते हैं बॉयज कॉलेज में। वो बात ही ऐसी करता था, भैया एक नीले कलर की जीन्स ले लो और एक लो चेक वाला शर्ट और फोटो खिंचा कर डाल दो इंस्टाग्राम पे, और फोटो में हंसना नहीं है, गंभीर चेहरा बनाना यूं। मैं गंभीर चेहरा क्यों? बिकॉज गर्ल्स लाइक मैच्योर बॉयज। हाँ ठीक है। तो हमारे कॉलेज में सीनियर आए एक दिन हमारे पास में, क्योंकि हमारे कॉलेज में इलेक्शन स्टार्ट हो गए, छात्र संघ के चुनाव होते हैं वहाँ पे हमारे, और भैया था हमारे कॉलेज का संग्राम सिंह चौधरी जो इलेक्शन में खड़ा होता है। उसके लड़के आके बोलते हैं कल से भैया के लिए कैंपेनिंग करनी है, भैया क्या करना होगा? तो उन्होंने हमारे हाथ में पैम्पलेट्स पकड़ा दिए, ये जाके गर्ल्स कॉलेज में बांट के आना। भाई मैं गया गर्ल्स कॉलेज, पहली बार इतनी सारी लड़कियां एक साथ देखी। वहाँ पे मैं आगे गया तो वहाँ मेरे सामने लड़की आ गई, तो मेरे को बोलती है कि कौन हो तुम, क्या करना हो यहाँ पे? मैं वो बॉयज़ कॉलेज से आया हूँ, संग्राम भैया खड़े हुए ना इलेक्शन के अंदर, तो मैं कैंपेनिंग करने आया हूँ। तो इलेक्शन तो तुम्हारे कॉलेज में ना, यहाँ क्या करने आया है? वो भैया ने हमको बताया कि हमारे बहुत सारे लड़की गर्लफ्रेंड पढ़ती है यहाँ पे। और भाई ये लड़की थी सुंदर, मतलब वो होते इसलिए तुम नस काटने को तैयार हो जाते हो दूसरे मर्दों की। वो लड़की इतनी सुंदर थी ना, उसको देख के मेरा फ्लर्ट निकल गया। बोला मैडम आपका भी कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है कुछ है? नहीं, मेरा तो सैंडल है, 9 नंबर खाएगा। आप जैसी खूबसूरत लड़की को ना ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। तू फ्लर्ट कर रहा है क्या मेरे साथ? मैं एक मिनट, सारी गलती मेरी ना, कुछ गलती आपकी भी है। क्यों, मैंने क्या किया है? आपने देखा अपने आप को, आप कितने खूबसूरत हो। कितनी खूबसूरत हूँ मैं? आप ना इतने खूबसूरत हो ना कि आप आगरा जाओगे ना तो ताजमहल घुटनों पे चल के आएगा आपको देखने के लिए। तो वो फ्रेंड बन गई मेरी, तो उसने ऐसे गले में हाथ डाल लिया और ऐसे कर लिया, मैं पागल हो गया। अरे अरे क्या कर रहे हो ये? क्योंकि मैं आया हूँ बॉयज़ कॉलेज से, और वो जगह लड़कियों के मामले में रेगिस्तान, और इनने मेरे को बाल पकड़ के समुंदर में डुबकी लगा दी, वो भी मीठे पानी के। तो मैं भाग के कॉलेज गया और मैं कहा था आज लड़कों को बताऊंगा भाई जीत क्या है। इतने में चार लड़के आए और मेरे को कॉलर पकड़ के अभिषेक के पास ले गए, और अभिषेक हमारे कॉलेज का दूसरा दादा था जो इलेक्शन के अंदर खड़ा होता संग्राम के सामने। तो पहले तो उसने मेरे को देखा अभिषेक ने, तू लवजीत है? मैं कहा बोलो इधर बैठ, तू कल गर्ल्स कॉलेज जाके आया था? हाँ भैया, वहाँ तो लड़की मिली थी एक फाइनल ईयर बीकॉम, वो 6 फुट लंबी, मैं वो प्रियंका पिलानिया, आप जानते हो उसको? वो गर्लफ्रेंड है वो मेरी। है तू उसको हक कर क्या है? भैया उसने दिया मैंने लिया। ऐसे तो शिक्षा ही बढ़ती है इस कॉलेज, वो भी लिया करो कभी। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।